ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि सांसद सत्र को लेकर चल रहा विवाद लगातार जड़ पकड़ता जा रहा है, तो वहीं विपक्ष पर आरोप है कि भाजपा खुद सांसद सत्र की दरार बन रही है। जिला झांसी के तहसील मोट में स्थित कस्बा समथर के रहने वाले महाराजा रणजीत सिंह जुदेव पूर्व गृह राज्य मंत्री ने संसद सत्र ना चलने का कारण भारतीय जनता पार्टी को ही बताया है तथा वर्तमान सरकार के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई और किसानों के बारे में बात ही नहीं करना चाहती है तथा पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है व सरकार की कई कमियां गिनवाई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं, कोई भी सुविधा जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस के लोग सांसद में विरोध जता रहे हैं अपना, लेकिन जो चुन के जाता है वो जनप्रतिनिधि होता है। जब से सांसद शुरू हुई कांग्रेस ने दो बातें रखी वहाँ, एक तो बहुत किसान आंदोलन की रखी थी बात कि उस पर चर्चा हो जाए, मना कर दिया गया। उसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है पेगासस। पेगासस आज भी कई लोग गांव में समझ नहीं पाए, ग्रामीण क्षेत्र में, कि पेगासस है क्या भला। जब से हमारे संबंध इजराइल से अच्छे हुए, कांग्रेस टाइम में कभी इजराइल से, जब से मोदी जी आए तो इजराइल देश से हमारे संबंध हो गए, आना जाना शुरू हुआ। पेगासस एक यंत्र होता है जो मालूम नहीं पड़ता कब आपके मोबाइल में लगा दिए जा लग जाता है, कहाँ आपके मोबाइल को कैच कर लेता है। तो उसके सबूत मिले कि ये पेगासस लगाकर गोपनीय तरह से हमारे बातें हैक कर रहे थे, सुन रहे थे। हम कांग्रेसियों के ही नहीं, अन्य और नेता, पत्रकार लोग और उद्योगपतियों के इन्होंने किए। इसकी पुष्टि फ्रांस में भी हुई और अभी जांच चल रही है। पेगासस जो यंत्र था वो इजराइल से बना था। इजराइल बहुत आगे है इन सब चीज़ों में, खुफियागिरी की बातें निकालने में। तो उस पर हमने, सरकार ने बहस मांगी है, कांग्रेस पार्टी ने और विरोधियों ने मिल के उस पर चर्चा मांगी थी। लेकिन जब जब चर्चा की बात आई उसको बीती सरकार ने, मोदी जी ने उसको काट दी बात कि चर्चा नहीं होगी पेगासस पे और ना किसान आंदोलन पे। तो जो जब जन आंदोलन के आप सांसद हैं तो आपकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही, चर्चा भी करने को आप तैयार नहीं हैं, तो थोड़ा कांग्रेसी और विरोधियों ने उग्र रूप धारण किया। वो तो ठीक है, लेकिन मारपीट के पक्ष में तो हम भी नहीं हैं। अगर मारपीट हुई जैसा सुन रहे हैं तो उसके पक्ष में कभी कभी थोड़ी थोड़ी मारपीट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप तो यूपी के हो, यूपी असेंबली में कितनी मारपीट हुई अगर आपने याद होगा, सांसद में भी पहले, आज नहीं पहले भी, स्पीकर के ऊपर, इस सरकार के पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जब बीजेपी वाले। समथर से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज, झांसी रोड।